विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों में बयानी जंग जारी है। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि वो कोरोना काल में कामगारों के पलायन का मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार में कैराना में पलायन हुआ था, वो उसे भूल गए। आगे उन्होंने कहा कि हमने तो पलायन वाले 45 लाख कामगारों को काम दिया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने आगे कहा कि अखिलेश यादव, आरोप लगाओ तो थोड़ा ध्यान से लगाओ, वरना आसमान की तरफ देखोगे और थूकोगे तो थूक आप पर ही गिरेगा। अखिलेश यादव के यूपी से बुलडोजर और सांड हटाने वाले बयान पर सिद्धार्थ ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर से यूपी में गुंडाराज और माफियागिरी आ जाएगी, जैसे सपा शासनकाल में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान थे, वे लोग फिर वापस आ जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि उनका सपना है कि वो आएंगे तो गुंडा राज वापस आ जाएगा। ओम प्रकाश राजभर सहित छोटे दलों से सपा के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ज्यादा ढोल न पीटें, क्योंकि इससे पहले वो बसपा और कांग्रेस जैसे बड़े दलों से गठबंधन करने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे। कितने लोग हैं? एक ही तो है, छोटे छोटे एक ही है जो एक ही नाम है, ओम प्रकाश राजभर के बाहर दूसरा नाम आपको नहीं देखेगा। हमारे पास तो अब ऐसे भी है, उससे बड़े दल है, अपना दल है, हमारे पास निषादपुरी पार्टी है जिनकी संख्या भी बहुत बड़ी है, तो इसलिए एक पार्टी के साथ वो ढोल इतना ना पीटे अखिलेश यादव जी। और उन्होंने तो बड़ी बड़ी पार्टियां भी ली हैं, जब बड़ी पार्टी लेने के बाद, बुआ को लेने के बाद, भैया को लेने के बाद वो कुछ नहीं कर पाए, तो छोटी पार्टी को लेने के बाद क्या कर लेंगे। साथ ही मुरादाबाद में होने वाली प्रियंका गांधी की रैली पर सिद्धार्थनाथ ने कहा कि कांग्रेस ये देख लें कि प्रियंका गांधी के यूपी में प्रचार करने से कांग्रेस में कितना असर पड़ने वाला है।